गुड मॉर्निंग जी आर संभव ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत। और मैं हूं जी आर चौधरी और मैं आज आपके साथ पढ़ाऊंगा और हम साथ में पढ़ेंगे जीके और क्लास टेंथ और ट्वेल्थ से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक। बड़ा छोटा सा हम टॉपिक लेंगे लेकिन ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। आप दसवीं में लो चाहे बारहवीं हिस्ट्री में लो, ट्वेल्थ हिस्ट्री का टॉपिक लो चाहे कंपटीशन कोई सा भी देख लो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल छोटा सा हम टॉपिक लेके लेंगे, बिल्कुल 5-10 मिनट में इसको निपटाने की कोशिश करेंगे और उस 5-10 मिनट में एक सवाल आपका पक्का। तो चलो हम फटाफट कर रहे इसको शुरू करते हैं। ये टॉपिक है मौर्य काल के प्रशासन से संबंधित। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मौर्य काल के जो केंद्रीय प्रशासन था उसमें किस प्रकार कौन कौन से वो जो मंत्री होते थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण विभाग होते थे, उनसे संबंधित उनके कौन कौन से अध्यक्ष होते थे, तो उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज के टॉपिक में मैं अर्थशास्त्र में जो 26 विभाग है उनके विभागों के अध्यक्षों की चर्चा करूंगा। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है, इनके अध्यक्षों के बारे में सवाल पूछा जाता है और सवाल किस प्रकार पूछा जाता है कि ये जो अध्यक्ष है, मैं एक एग्जांपल दूं कि पन्ना अध्यक्ष किस विभाग से संबंधित था, या यूं कहें कि वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष को मौर्य काल में किस नाम से जाना जाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको मैं कोशिश करूँगा कि 5-10 मिनट में आपको कुछ महत्वपूर्ण है वो याद करवा पाऊँ। तो देखो, आप देखना कि ये जो अध्यक्ष है, यहां से स्टार्ट करें हम कि पहला जो अध्यक्ष था, ये इधर अध्यक्ष लिखे हुए है और इधर संबंधित विभाग लिखा हुआ है कि किस विभाग से संबंधित था। तो पहला जो अध्यक्ष आता है उसका नाम है पन्ने अध्यक्ष। ध्यान देना इसको, पन्ने का मतलब होता है, पन्ने का मतलब होता है व्यापार, हिंदी का शब्द है व्यापार या सौदा, ठीक है। तो जो इस शब्द से जो विभाग बना है तो वो उसी से संबंधित होगा। पन्ने का मतलब होता है, पन्ने अध्यक्ष किससे संबंधित था, वाणिज्य का अध्यक्ष, वाणिज्य मतलब व्यापार से संबंधित जो अध्यक्ष होता था उसको बोलते थे पन्ने अध्यक्ष। क्लियर है, पन्ने अध्यक्ष का मतलब व्यापार से संबंधित जो विभाग होता था वो होता था पन्ने अध्यक्ष। दूसरा लेते हैं पोतवा अध्यक्ष। पोतवा अध्यक्ष माप तोल, ये पोत का मतलब बना हुआ है माप तोल से, पोत का मतलब होता है माप तोल, पोत नाम से पता चलेगा पोत है। तो पोत का मतलब माप तोल, माप तोल, पोत माप तोल, उल्टा बन रहा है जैसे, तो माप तोल पोतवा अध्यक्ष होता था। इसका काम क्या था कि जो मापने और तोलने से संबंधित जो भी निर्णय करते थे, जो भी राजा को सलाह देते थे, वो था पोतवा अध्यक्ष। तीसरा जो विभाग आता है वो आता है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना, पोतवा अध्यक्ष, वापस 5 बार बोल रहा हूं, पोतवा अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष का मतलब था मापतोल से संबंधित। तीसरा जो अध्यक्ष था वो था सूना अध्यक्ष, सूना अध्यक्ष, सूना, इसको आप याद यूं करना है कि जैसे किसी जानवर को मारते हैं, काटते हैं, तो काटने से पहले वो सुन हो जाता होगा, या किसी मौत आती है तो सुन होता ही है, सुन का मतलब कोई अनुभव नहीं होता है। तो सुना अध्यक्ष का मतलब था बूचड़ खाना। बूचड़ खाना क्या होता है, जहां जानवरों को काटा जाता था। तो सुना अध्यक्ष नाम से ध्यान रखना, सुना अध्यक्ष मतलब सुन होना, और सुन होना कब, बूचड़ खाने में, तो बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था उसको सुना अध्यक्ष बोलते थे। अगला जो अध्यक्ष था, नाम से पता चल रहा, सूरा अध्यक्ष, सूरा, सूरा, सूरा का मतलब होता है शराब, सूरा का मतलब क्या होता है शराब। एक होता है सूरा, ये वीर सूर, सूरवीर से संबंधित है, ठीक है। तो सूरा का मतलब होता है शराब, और जो शराब विभाग का, या शराब या मदिरा कह दो, उस विभाग के अध्यक्ष को बोलते थे सूरा अध्यक्ष। याद आ रहा है, तीन हुए पन्ने अध्यक्ष व्यापार से, पोतवा अध्यक्ष मापतोल से, सोना अध्यक्ष सुन का मतलब बूचड़ खाने से संबंधित, सूरा अध्यक्ष शराब से संबंधित, कूप्या अध्यक्ष, कूप्या अध्यक्ष को आपको याद रखना, कूप बोलते हैं कुएं को, कूप किसको बोलते हैं कुएं को। अब कुआ कहाँ होता है, जंगल में,
घर के बीच में तो कुआं नहीं होता, खेत में होता है, जंगल में होता है। तो जंगल जो वन विभाग और उसकी जो संपदा थी, वनों में जितनी भी संपदा पैदा होती थी, उसकी देखरेख करने का काम होता था कुप्याध्यक्ष के द्वारा। अगला है सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष, सूत्र का मतलब होता है धागा, डोर, ठीक है। जैसे सूत्र फॉर्मूले, गणित में सूत्र होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला वो ऐसा धागा जो आपको सवाल को इजी वे में कर ले। तो सूत्र का मतलब होता है धागा, और धागे से क्या होती है, कताई और बुनाई। तो सूत्राध्यक्ष से संबंधित था, कताई बुनाई विभाग से संबंधित था, इनका काम था कताई बुनाई को संभालना। अगला था लोहाध्यक्ष। लोहाध्यक्ष, आपको पता है लोहा क्या है, एक धातु है। तो ये लोहाध्यक्ष किस विभाग का था, धातु विभाग का अध्यक्ष, याद हो जाएगा आपको। ये देखो ये लक्षणाध्यक्ष है, यहां मैं वापस लिख दूं, लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। तो लक्षणाध्यक्ष के बारे में आपको यूं याद रखना है कि किसी भी देश के पैसे हो, सिक्के हो, तो वो अलग अलग लक्षणों वाले होते हैं। भारत के सिक्के अलग होते हैं, पाकिस्तान के सिक्के अलग होते हैं, अमेरिका में जो सिक्के बनते हैं वो अलग अलग होते हैं। रुपयों की बात करें, नोट की बात करें, तो वो नोट भी उसके लक्षण अलग अलग होते हैं। भारत के रुपया जो चलता है उसके नोट लक्षण अलग होते हैं, अमेरिका के डॉलर के लक्षण अलग होते हैं। तो लक्षण अलग अलग होते हैं। तो लक्षणाध्यक्ष किसका था, टकसाल विभाग का अध्यक्ष। टकसाल जहां सिक्के छपते थे उसको बोलते हैं टकसाल। तो टकसाल विभाग के अध्यक्ष को बोलते थे लक्षणाध्यक्ष। अगला है मुद्रा अध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष का मतलब है, मुद्रा का मतलब स्टाम्प, स्टाम्प का मतलब सील मान सकते हो अंग्रेजी में। तो मुद्रा का मतलब होता है सील या स्टाम्प। तो स्टाम्प कहां लगता था, पासपोर्ट पे लगता है कि नहीं, पासपोर्ट, जो भी पासपोर्ट बनाते हैं। तो पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को बोलते थे मुद्रा अध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष। और ये मुद्रा में कई कंफ्यूजन हो जाते हैं कि मुद्रा पैसों से संबंधित, पैसों से नहीं है, ये क्या है, स्टाम्प से संबंधित है। तो स्टाम्प का मतलब कहाँ लगता है, ये लगता है पासपोर्ट पे। तो पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को मुद्राध्यक्ष बोलते थे। अगला है नवाध्यक्ष। नवाध्यक्ष का मतलब है, आप इसको याद रखना, नव का, नाव सुना है, नवा नहीं है, इसको नाव याद रख लो। नाव होती है छोटी, लेकिन नवा क्या होता है, बड़ी नाव। बड़ी नाव मतलब जहाँ बड़े जहाज, तो जहाज जिनसे क्या आता है, माल लाया और ले जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। तो नवा जो अध्यक्ष होता है वो किस विभाग से संबंधित था, जहाज रानी विभाग से संबंधित था नवा अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष का संबंध था चारागाह से। विविता का मतलब विविध से याद कर लो आप, किससे, किससे याद कर लो, विविध। विविध का मतलब था अलग अलग। अलग अलग कैसे, अलग अलग, अलग अलग ये अलग अलग कि जैसे आपने चारागाह मतलब जहाँ बहुत सारे जानवर चरते हैं, तो वहाँ बकरी भी चरती है, भैंस भी चरती है, गाय भी चरती है, और छोटे छोटे खरगोश भी चरता है वहाँ चारागाह। तो जो विविध जानवर जहाँ चरते हैं, विविधाध्यक्ष, विविध से याद रखना आपको, विविध का मतलब अलग अलग, यहाँ बकरी भी है, भैंस भी है, गाय भी है, खरगोश भी है। तो विविध जानवर जहां चढ़ते हैं, तो विविधता अध्यक्ष का संबंध किससे था, चारागाह से संबंधित था। एक होता था अक्षय पटला अध्यक्ष। अक्षय पटला अध्यक्ष को आपको याद यूं रखना है कि आपने न्यूज चैनलों में सुना होगा कि लोकसभा में विधेयक पटल पे रखा। पटल का मतलब होता है अध्यक्ष की मेज पे, अध्यक्ष की जो मेज होती है उसको पटल बोलते थे। वैसे अंधों को बोल देते हैं कि पटल फिर गए। तो पटला अध्यक्ष का मतलब था कि जो राजा के द्वारा जो बजट था, पूरे देश में 12 महीने खर्चा होता था, उस खर्चे में का सही ढंग से किया गया कि नहीं किया गया, उसका आय व्यय का ब्यौरा ढंग से किया गया खर्चा या नहीं किया गया, उस चीज को रखने के लिए एक अधिकारी होता था महालेखाकार, अब भी होता है ऑडिटर जनरल। तो अक्षय पटला अध्यक्ष का संबंध किससे था, महालेखा परीक्षण से संबंधित था। अगला था पतना अध्यक्ष। पतन का मतलब होता है, एक तो होता है पतन, एक होता है पत्तन। पत्तन का अर्थ होता है बंदरगाह। पत्तन का अर्थ होता है बंदरगाह, ठीक है। बंदरगाह का अध्यक्ष को पतना अध्यक्ष बोलता है। इसका काम था बंदरगाहों को संभालना। अगला था शुल्का अध्यक्ष। अश्को मतलब शुल्क इकट्ठा करना था। एक था, ये नाम है देवता अध्यक्ष। देवता अध्यक्ष,
देवता अध्यक्ष का आपको पता है कि देवताओं से संबंधित मतलब धार्मिक बातों का ध्यान, धार्मिक संस्थाओं का ध्यान रखने वाले को बोलते थे देवता अध्यक्ष। तो इस प्रकार एक बार वापस आप इस वीडियो को देखना सारे के सारे अध्यक्ष। एक जल्दी से फटाफट सी एक और देखता हूँ। एक होता था गणिका अध्यक्ष। गणिका का मतलब होता है वैसे जो नाच गा के काम करती थी, तो उनका गणिका अध्यक्ष होता था। एक अकारा अध्यक्ष मोस्ट होता है। अकार का मतलब होता है खान। अकार का मतलब होता है खान। तो खान विभाग के अध्यक्ष को बोलते हैं अकाराध्यक्ष। इसके अलावा कोष्ठागार, कोष्ठागार का अध्यक्ष होता था आयुधागार अध्यक्ष। आयुध का आयुध मतलब हथियारों से संबंधित होता है। और गो अध्यक्ष गायों से संबंधित होता था। लक्षणाध्यक्ष मैंने पढ़ा दिया। संस्था अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष इसको याद रखना, संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों की रक्षा, संस्थाएं ऐसी संस्थाएं जो व्यापार के मार्ग होते थे, ऐसी संस्थाएं बनी हुई थी कि इस मार्ग से चलना है, इस मार्ग से चलना है। तो व्यापारिक मार्गों के अध्यक्ष को संस्थागार अध्यक्ष बोलते थे। देवता अध्यक्ष मैंने पढ़ा ही दिया। माना अध्यक्ष, माना मतलब मानक कि समय कितने का रखना है, बीघा रखना है, क्या रखना है, मीटर रखना है, सेंटर, तो उसको बोलते थे माना अध्यक्ष, मानक से संबंधित था। इस प्रकार ये 26 जो मैंने आपको बताए काफी महत्वपूर्ण, एक सवाल आपके कंपटीशन में कभी भी देना, एक सवाल आपके आएगा। आशा है आपके फायदेमंद रहेगा ये वीडियो, और आपके फायदेमंद रहा है तो अगले दोस्तों को, अपने साथियों को शेयर करो और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।